मजदूरी खट रहा हूँ, 200 का नौकरी कर रहा हूँ रोज का, नहीं देता ना साला, 150 भी बिहार पे लात मार के भगा देता है। हमें संदेह बहुत है, हम तो कमा रहे हैं, बहुत आदमी भीख मांग रहे हैं बिहार के आदमी दिल्ली के अंदर। आरू बिहार में कौन बेच रहा है, कैसे मिल रहा है, फिर जनता बेच रही है, प्रशासन तो रोक लगा सकती है। मनीष कश्यप का सीएम बनना सही है, बिल्कुल जरूरी उसका बनना है, मनीष कश्यप सबसे अच्छा आदमी है। जेल से आएंगे बाहर बनेंगे, इतना जल्दी कौन सीएम बना देगा उनको। हम जज नहीं है ना जो हम फाइनल बता देंगे कितने तारीख को छोड़ देंगे, हम अधूरा, हम कृपया करते हैं ऊपर वाले से, आपसे। क्यों इतना पसंद है आम जनता को मनीष कश्यप? बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। क्या काम किया, क्या नहीं किया है? आपको लगता है कि मनीष कश्यप सीएम के काबिल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सीएम के काबिल। क्या लगता है जेल से बाहर कब तक आएंगे? आएगा ना, आएगा ना, आएगा उस आ जाएंगे। हम जज नहीं है ना जो हम फाइनल बता देंगे कितने तारीख को छोड़ देंगे, हम मजदूर, हम कृपया करते हैं ऊपर वाले से, आपसे। हम लोग मजदूर आदमी दिल्ली आते हैं, हम लोग को कष्ट हो जाता है। अखबार वाला है वो फेक वीडियो नहीं बनाया। अरे फर्जी पत्रकार बोला जाता है, कभी नहीं यूट्यूबर ने कभी फरीगार वीडियो है। वो तो वही बात है ना, जेल में खट रहा है वो तो उसका बस काम है। बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप अगर सीएम बन गया तो बिहार वैसे भी बर्बाद है और हो जाएगा। बिहार कभी नहीं बर्बाद होगा। हाँ। अभी भी कौन सा सही है? हाँ। अभी कौन सा सही है? अगर तो सही है तो मैं क्यों दिल्ली में खट रहा हूँ? हाँ। मेरे कोई काम ही नहीं बिहार के अंदर। हाँ। ठीक भी नहीं देता है। अभी आप कहाँ हैं? दिल्ली के अंदर हूँ। हाँ। दिल्ली के अंदर हूँ। दिल्ली के अंदर जी काम कर रहा हूँ, मजदूरी खट रहा हूँ, 200 का नौकरी कर रहा हूँ रोज का, नहीं देता ना साला, 150 भी बिहार पे लात मार के भगा देता है। अगर मनीष कश्यप सीएम बनेगा तो रोजगार देगा? हमें तो इतना पता है, रोजगार ना मिले तो 90% आदमी का काम मिल जाएगा, हमें छोड़ दो फैक्ट्री आ जाएगा, मिल जाएगा। हमें संदेह बहुत है, हम तो कमा रहे हैं, बहुत आदमी भीख मांग रहे हैं बिहार के आदमी दिल्ली के अंदर। पर के लिए क्या किया मनीष कश्यप ने? यही किया, स्कूल का जो काम सब मास्टर वास्टर जो पढ़ाते थे बच्चे को, वो कभी 10 बजे आता था बाबूजी जगह बन के, तो उस सबको रिलाई किया बढ़िया तरीका से, तो आप टाइम टेबल पे ही आ रहा है। ये जो नीतीश कुमार है वो क्या नहीं संभाल पा रहे बिहार को? अगर संभाल पाते बोला दारू बंद का हो गया। हाँ। क्या दारू नहीं मिलता है बिहार में? तब वो तो सारी दुनिया को मालूम है ऐसे दारू मिल रहा है बिहार में। हाँ। तो कैसे मिल रहा है? दारू बिहार में कौन बेच रहा है, कैसे मिल रहा है, फिर जनता बेच रही है, प्रशासन तो रोक लगा सकती है, प्रशासन रोक लगा सकती से रोक नहीं लगाएगी तो कैसे सख्ती से लगा रही है? रोज जेल भरा जा रहा है, बच्चों के हाथ में दारू को बोतल दिखा जा रहा है, हमने खुद भी कर रहा है, हमारे घर के लोग ही कर रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ की जनता ही कर रही है ना, पुलिस तो नहीं थमा रही है दारू। आप जनता को दोषी मानते हैं इसके लिए? जनता एकदम पैसे के लिए भी की है, जो दारू पास करा रहा है वही ना पैसा दे रहा होगा कि हम, आप पुलिस दे रही है पैसा। अच्छा, पुलिस तो पकड़ेगी ही ना, पुलिस पकड़ेगी, 10 लोगों को पकड़ेगी, 20 लोगों को पकड़ेगी, कितना लोगों को पकड़ेगी? वो अच्छे आदमी थे उनको हम मानते हैं, लेकिन भड़काऊ बात बोलेंगे, जनता में उनका लोकप्रियता है, लेकिन भड़काऊ बात बोलेंगे, विवाद ये रहेगा तो मान ले चलिए जो प्रशासन का नियम है वो पारित सब पे होगा। अगर कहीं अव्यवस्था है और मनीष कश्यप बता रहा है तो ये गलत है क्या? नहीं, अव्यवस्था हमने ये नहीं कह रहा है कि मनीष कश्यप गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि गलत की, उसका वीडियो गलत बनाए हैं। बताइए कि अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या बिहार का कल्याण होगा? वो सीएम कहाँ से बन गए? अगर जेल से आगे बाहर बनेंगे, जेल से आएंगे बाहर बनेंगे, इतना जल्दी कौन सीएम बना देगा उनको? करेगा तभी तो, लोग का कल्याण करेगा तभी तो सीएम बनेगा ना। कैसे सीएम बना दिया जाए, क्या कल्याण किया? बिहार की जनता तो एकदम मनीष कश्यप की वाहवाही करती है। क्या चीज का वाहवाही कर रहे हैं? बहुत करते हैं, तो सरकारी स्कूल का पर्दाफाश करते हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत भी काम है, हमारा भी काम है पर्दाफाश तो करना करते हैं। तो हम लोग देखेंगे मीडिया किस लिए है? उसी को फैलाने के लिए है ना, यूट्यूबर है तो यूट्यूबर किस लिए है? यूट्यूबर लोग तो हम भी बन सकते हैं, तो हमारा जो काम रहेगा हम वही ना करेंगे। क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप का सीएम बनना सही है? बिल्कुल जरूरी उसका बनना है, मनीष कश्यप सबसे अच्छा आदमी है। अच्छा, और अगर ये बोल रहे हैं कि सीएम किसी को भी थोड़ी बना, बोलने तो 10 रंग के बात बोलने वाला बोल रहा है, मनीष कश्यप सबसे अच्छा आदमी है। और जो मनीष कश्यप को आतंकवादी बोलते हैं वो गलत आदमी है, बिल्कुल गलत है। बताइए कि अगर निर्दोष हैं तो अभी तक तो जेल से बाहर आ जाना चाहिए था ना, 6 महीना हो गया। अब उनका देखो क्या चीज हो रहा है, उसके बाद अपने धीरे धीरे हो जाएगा, सब समस्या डन हो जाएगा अपना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है लेकिन वो है निर्दोष? हाँ बिल्कुल, टाइम तो लगता है, कागज पत्र में टाइम तो लगता है, बाद में हो जाएगा अपना क्लियर। निर्दोष मानते हैं? बिल्कुल।